ओके चैप्टर सेवेन फूड वी ईट वी हैव रीड अप टू प्रोटेक्टिव फूड अभी तक हमने पढ़ा फूड को ग्रुप करा एनर्जी गिविंग फूड में बॉडी बिल्डिंग फूड में और प्रोटेक्टिव फूड में नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर Okay. along with फूड our बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर फूड के साथ साथ हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है ज़रूरत होती है बहुत सारे पानी की इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड we eat. क्या होता है वाटर जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है इट ऑल्सो फ्लशेस आउट वेस्ट फ्राम आर बॉडी और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं फूड से बच के या डाइजेशन के बाद उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है ठीक है वे मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट सिक्स टू एट ग्लासेज ऑफ वाटर एवरेज हमको एक दिन में छः से आठ ग्लास सिक्स टू एट ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए पीना चाहिए ठीक है पानी कम पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड डाइट व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट लेट अस सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ फूड इन आर डाइट ये बहुत ज़रूरी है कि हर तरह का फूड हमारी डाइट में हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए कौन से फ़ूड प्रोटेक्टिव फूड बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड फूड से हमको क्या मिलता है फूड से हम ग्रोथ करते हैं हमारा ग्रोथ होता है है ना फूड uh, हमको बीमारियों से बचाने में मदद करता है और साथ में फूड से हमको एनर्जी मिलती है तो ऑल टाइप ऑफ फूड मस्ट बी इंक्लूड इन आर डाइट हर तरह के फूड हमारे खाने में शामिल होना चाहिए अ डाइट दैट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ फूड from all food groups and water is called a balanced diet. क्या हुआ ऐसा डाइट ऐसा डाइट ऐसा भोजन हमारा जिसमें सही अमाउंट में सही अमाउंट में, में सारे ग्रुप के फूड होने चाहिए उसके अंदर एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए उसके अंदर प्रोटेक्टिव फूड होना चाहिए और साथ में पानी सिक्स टू एट ग्लास ऑफ वाटर डेली हमको पीना है ना तो ये सब मिला करके बनाते हैं अ बैलेंस्ड डाइट एक बैलेंस डाइट डिफरेंट फूड हैबिट्स सम पीपल डू नॉट ईट फिश मीट एंड एग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेजिटेरियन हैं और जो वेजिटेरियन हैं वो क्या करते हैं वो फिश मछलियाँ मीट और अंडे नहीं खाते हैं दे ईट ओनली फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड मिल्क ये क्या खाते हैं ये सिर्फ वही फ़ूड खाते हैं जो प्लांट्स से मिलता हो और साथ में दूध दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस जिनको हम लोग कहते हैं वेजिटेरियंस और ऐसे लोग पीपल हु ईट फिश मीट एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन और जो मांस मछली अंडे है ना फ़िश मीट और एग्स ये भी खाते हैं ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन ओके तो डिफ़रेंट फूड हैबिट्स में दो तरह के लोग मिले हमको वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस वेजिटेरियंस प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और मिल्क लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन फिश मीट एग्स भी खाते हैं साथ में प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं

ऐसा फूड जो हम आसानी से पाते हैं आर रिलीजन हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं कौन से धर्म के हैं और आर ओन चॉइस एंड टेस्ट और हमारी पसंद और हमारा खाने का टेस्ट ठीक है ये चार चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है हमारा फूड हैबिट ठीक है अब फूड हैबिट में क्या होता है कि हम बेसिकली कौन से खाने खाते हैं जैसे आ, 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 आपने देखा होगा राजस्थानी आ, खाना गुजराती खाना साउथ इंडियन डिश तो ये जो डिशेस बने ये किन आधार पे बने सबसे पहली चीज़ ये थी कि, कि किस चीज़ की अवेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है जो चीज़ जहाँ ज़्यादा पाया जाता है उसको वहाँ ज़्यादा खाते हैं वहाँ की फूड हैबिट में वो चीज़ शामिल हो गई तो पहली चीज़ है द प्लेस वेयर वी लीव जहाँ हम रहते हैं उस जगह पे कौन सी चीज़ें द फूड वी कैन गेट ईजीली कौन सी चीज़ हमको आसानी से मिल पाती है वही हमारा फ़ूड होता है जिन जगहों पे राइस पैडी का प्रोडक्शन अच्छा है चावल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ के लोग रोटी कम खाते हैं चावल ही खाते हैं उनका मेन फूड साउथ इंडिया में ज़्यादातर राइस से बनने वाली चीज़ें खाते हैं फिर हमारा रिलीजन हमको धार्मिक आधार पे किन चीज़ों को खाने के लिए कहा गया है वो हमारे फूड में शामिल होता है और इसके अलावा एक अलग सी चीज़ बढ़ गई हमारा टेस्ट हम क्या खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से भी खाने लगे क्योंकि पहले के दिनों में तो सपोज uh, राजस्थान uh, की चीज़ हमको यहाँ खाने को मिलती नहीं थी मगर अब ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया है कि uh, पूरे इंडिया में हर जगह की चीज़ें हमारे वहाँ हमारे यहाँ की चीज़ें ऑल ओवर इंडिया हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई है तो इसकी वजह से हमारा जो चॉइस uh, है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या खाना पसंद करते हैं सम पीपल नीड टू हैव डिफरेंट फूड बिकॉज ऑफ एज अच्छा कुछ लोगों के साथ क्या है कि एज के हिसाब से आ, उनको डिफरेंट चीज़ें खानी होती हैं उनकी जो ज़रूरत है खाने की वो थोड़ी सी अलग हो जाती है लाइक बेबीज़ ड्रिंक ओनली मिल्क बच्चे हैं छोटे बहुत छोटा बच्चा है द पिक्चर इज़ गिवन हियर लुक हियर है ना तो अ बेबी नीड बेबी कैन ड्रिंक मिल्क ओनली ये कुछ खा नहीं सकता क्योंकि इसके दांत नहीं है अभी इसने चबाना और खाना सीखा नहीं है सम चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल टेक मिल्क एंड सॉफ्ट फूड कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा ये बच्चा और बड़ा हुआ या ओल्ड पीपल हुए तो इनके साथ क्या होता है कि इनको खाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए सॉफ्ट चीज़ें चाहिए लिक्विड टाइप की चीज़ें चाहिए जिसको ये आसानी से खा सकें ठीक है ओल्ड एज में जब दांत भी नहीं रहते दांत ख़राब हो जाते हैं या निकल जाते हैं उस समय भी जब हार्ड चीज़ें खाना मुश्किल होता है तो दे नीड टू टेक सॉफ्ट फूड दीज आर ईजी टू चीव एंड ब्रेक डाउन इन द बॉडी ये जो सॉफ्ट चीज़ें लिक्विड डाइट्स होते हैं ना लाइक खिचड़ी एंड द पॉरिज दलिया जिसको बोलते हैं तो ये सब चीज़ें सॉफ्ट uh, होती हैं कम चबानी पड़ती हैं और आसानी से अंदर जाके पेट के अंदर डाइजेशन में ब्रेकडाउन हो जाती हैं ठीक है तो जो एज है उस पर भी बिलोंग करता है कि पीपल व्हाट व्हाट द पीपल कैन टेक आर डाइजेस्ट इजीली नाउ फूड टू अवॉइड ऐसा फ़ूड uh, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए आ, बहुत बेनिफिशियल नहीं है लाभदायक नहीं है नुकसान पहुंचा सकता है सम फूड आइटम्स टेस्ट गुड बट आर नॉट वेरी हेल्दी कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं बहुत टेस्टी होते हैं मगर हेल्दी नहीं होते हैं दीज आर कॉल्ड जंक फूड इनको हम लोग कहते हैं जंक फूड इनमें बहुत हाई कैलरी होती है जिसकी वजह से हम इसको कंज्यूम करते हैं इसको खाते हैं तो हमारे हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ता है इसमें कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पिक्चर समझा रखा है चॉकलेट पेस्ट्री चिप्स बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं बट दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ ईटिंग टू मच ऑफ दीज us फैट एंड lazy. क्या होता है इसको ज़्यादा खाने से मोटापा आता है और हम आलसी बनते हैं लेजी बनते हैं सुस्त हो जाते हैं एक्सेस ऑफ कैलरी जब हम इनटेक करते हैं जब हमारी बॉडी में बहुत सारा कैलरी डिपॉजिट होता है तो ये मोटापे को बढ़ाता है इससे मोटापा आता है और बच्चे अगर इस तरह की चीज़ें बहुत खाएं तो मोटे हो जाएंगे और मोटे होने के बाद क्या होगा उनकी जो लंबाई है हाइट बढ़नी कम हो जाएगी और वो छोटे करके के ही रह जाएंगे तो वी शुड नॉट ईट दीज रेगुलरली तो हमको इसको रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए ओके तो दीज टाइप ऑफ फूड बेटर टू अवॉइड अगर हम इस तरह के फूड को अवॉइड कर दें ना खाएं दिस तो ये हमारे लिए अच्छा होगा ओके नाउ एक्सरसाइजिस आ, एक्सरसाइजेज आपको असाइनमेंट सेक्शन में भेज दिया जाएगा और कंप्लीट योर वर्क एक बार फिर से चैप्टर को दो तीन बार पढ़िए और एज होमवर्क यू हैव टू रीड चैप्टर एट वी नीड वॉटर ओके चैप्टर नंबर एट वी नीड वाटर इस चैप्टर को आप पढ़िए एक दो बार नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करेंगे